चलिए जी, लेकिन एक ये सफर हमने देखा है आपके जीवन का भी, आपने वो दौर भी देखा जब हमने बात करी कि किस तरीके से एक एक कमरे के अंदर जीवन चला, एक दौर बीता, उसके बाद आज ईश्वर की अनुकंपा है हर लिहाज से, तो ये भी एक बदलाव है। यहाँ पर क्या है कि सब कुछ है, भौतिकतावाद की परिभाषा में प्रसन्नता के जितने मानक हैं वो सब कुछ है, लेकिन वहाँ खुशियाँ बरकरार रखने का मंत्र क्या है? दोस्त, संगीत, किताबें, सफर, यात्रा, ये मुझे खुश रखते। मुझे संगीत बहुत पसंद है। अच्छा। गाना अच्छा लगता है। कुछ कुछ गाएंगे ना अभी? एनीथिंग, जो भी अभी आपके ज़हन में सबसे ऊपर आ रहा है। गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दोस्त से आज मिले, आपने बताया काफी वक्त के बाद, आप वो कुछ कुछ भी गुनगुना लीजिए जो आपको पसंद। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज की तारीख में मुझे लगता है शैलेश जी, कोई ऐसा मंच नहीं है काव्य का जहाँ पर आप ना पहुँचे हो, जहाँ आपका नाम ना हो। किस तरीके से बदलाव आया है हमारे काव्य मंचों में? ये मैं अभी कुछ देर पहले भी मैंने इस चीज़ का जवाब दिया था, ये बदलाव जो सिर्फ है मंचों का ही नहीं है, हर जगह का बदलाव है ना। आप टेस्ट मैच में आपके पास समय था 5 दिन देखते थे, आप 2020 तक पहुंच गए कि नहीं? अब वनडे भी नहीं रहा 2020। लेकिन जैसे आज की पीढ़ी को ये समझना है कि ये बदलाव आया है वक्त के साथ में, तो वो आपसे बेहतर इस वक्त मौजूदा बदलाव, देखिए हर चीज में बदलाव, हर चीज में है। ये सिर्फ हमारी भाषा में बदलाव आया ना, हमारी भाषा में, हमारे कपड़ों में, हमारे विचारों में, हमारे अंदाज में, हर चीज़ में बदलाव है। तो उस देखिए, कविता तो समाज का दर्पण होती है, जैसा दिखेगा उस जमाने में जैसा समाज था तब वैसा लिखा गया, आज जैसा समाज है तो वैसा लिखा जा रहा है। तो ये जो बदलाव है बड़ा कंटेम्प्रेरी है, मैं कहूँगा सामयिक है। ये ऐसा नहीं है जिसको कोई परिभाषा दी जाए, ये ऐसा है जो एक ये बदलना, चेंज इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, तो ये हमेशा होता रहेगा। कल फिर कुछ दौर आएगा, फिर कोई बदलेगा, आपके अंदाज बदल गए। देखो न्यूज़ रूम ऐसे थोड़ी हुआ करते थे, आप याद कीजिए दूरदर्शन के ज़माने में ऐसा तो नहीं होता था, आज अलग है अंदाज़।